झारखंड में सूजी की मिठाई किस प्रकार से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 बड़ी चम्मच देसी घी के डाले हैं। आप लोग चाहे तो इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ पर किशमिश को फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ काजू और बादाम को ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए काजू और बादाम फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन अभी गर्म ही है और इसमें कुछ घी भी बचा हुआ ही है, तो अब हम उसी में नारियल पाउडर को डाल देंगे और उसे भी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पर घी थोड़ी कम हो रही है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी घी को और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। नारियल पाउडर को फ्राई करते समय एक बात का ख्याल रखना है कि हमें नारियल पाउडर को एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल सकती है और ये मिठाई के टेस्ट को पूरी तरह से खराब कर सकती है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके नारियल के पाउडर को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए नारियल पाउडर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम भी इसे दूसरे प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। मिठाई में डालने के लिए सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम मिठाई बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्राई पैन में हमने थोड़ी अधिक मात्रा में घी को डाल दिया है और घी को हमें यहाँ पे गर्म नहीं करना है, हमें ठंडे घी में ही सूजी को ऐड कर देना है और इसे फ्राई करते रहना है। हम यहाँ पर घी और सूजी को एक साथ इसलिए डाल रहे हैं ताकि घी की जो सुगंध है वो मिठाई में बरकरार रहे और हमारी मिठाई की सुगंध एकदम दूर दूर तक फैल जाए। तो जब तक सूजी फ्राई हो रही है तब तक चलिए हम भुने हुए काजू और बादाम को बेलन से करके कुछ इस तरह से क्रश कर लेंगे। हमें यहाँ पर बेलन का ही यूज करना है, हमें इसे मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि मिक्सी में पीसने से ये एकदम से महीन पीस जाती है जो मिठाई खाते समय मुंह में काजू और बादाम का फील नहीं देगी। तो जब तक हमने ड्राई फ्रूट को क्रश किया तब तक ये देखिए हमारी सूजी भी एकदम अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। तो अब हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया है चीनी, तो अब हम चीनी डालकर भी इसे कुछ देर तक भूनेंगे। तो चीनी हम भून गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी गर्म दूध। हमें यहाँ पर गर्म दूध का ही यूज करना है, हमें यहाँ पे ठंडे दूध का यूज नहीं करना है, नहीं तो सूजी में गुठलियाँ पड़ सकती हैं और हमें सूजी को लगातार चलाते हुए ही पकाना है। हमें सूजी को लगातार चलाते हुए इसलिए पकाना है क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर मिठाई अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो हम सूजी को भी भूनते हुए हमें आँच को एकदम से लो ही रखना है, हमें पूरी मिठाई को एकदम लो फ्लेम पर ही बनाना है ताकि इसका एकदम स्वाद और सुगंध बरकरार रहे। हमें लगातार चलाते हुए ही दूध को एकदम से सोक कर लेना है। तो ये देखिए सूजी धीरे धीरे से सारे दूध को सोक कर ले रही है और ये देखिए कि टेक्सचर कितना अच्छा से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर सूजी ने सारा दूध अच्छे से सोक कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच मलाई। ये मलाई हमने हमारे घर में आए हुए दूध से ही निकाल लिया था, आप लोग चाहे तो यहाँ पर बाजार से खरीदे हुए मलाई का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मलाई का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सूजी का मिठाई जो है वो एकदम से क्रीमी बने और ये मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाए। तो चलिए अब हम भी इसे सोख होने तक पकाते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से सोख हो गया है, तो अब हम इसमें ही डाल देते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को जो हमने पहले से ही तैयार करके रखे थे और इसमें हमने नारियल पाउडर को भी डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा ड्राई फ्रूट जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए और साथ ही हमारा नारियल पाउडर भी अच्छे से पक जाए। तो चलिए अब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नारियल पाउडर घी और मलाई के मॉइस्चर से ही पक जाएंगे, हमें यहाँ पर अतिरिक्त पानी या दूध का यूज नहीं करना है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और अब हम चम्मच की सहायता से कुछ इस तरह से करके इसे एक चौकोर आकार में बना लेंगे। तो ये देखिए 1 चम्मच की सहायता से हमने इसे कितना अच्छा सेप दिया है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, आप लोग चाहे तो इसे आप फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम एक चाकू की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप लोग इसे चाहे जिस शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे स्क्वायर आकार में ही इसकी कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पर चाकू से एक फाइन कटिंग देनी है ताकि मिठाई देखने में एकदम आकर्षक लगे और लोगों के मन को भा जाए। तो ये देखिए हमारी मिठाई की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे आपको एक प्लेट में सजा कर दिखाते हैं। तो सारी कटिंग्स को हम कुछ इस तरह से करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर मिठाई को ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। आप लोग यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू का यूज किया है क्योंकि हमारे बच्चे को काजू अधिक पसंद है। तो ये देखिए हमारी सूजी की एकदम परफेक्ट और एकदम से अलग मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और साथ में बच्चों को भी खिलाएं, ये बच्चों को बहुत अधिक पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।